Hello everyone, so now we are moving to part number 11 of ISMR. As we have already discussed ISMR in the previous videos, so now we have something new for you in this video. इस वीडियो में हमारे पास कुछ अलग क्या होगा, हम बात करेंगे कुछ खराब की। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या रिवीजन हमने पढ़ा, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो आज हम क्या बोल देते हैं, टुडे, या आपकी अपनी मर्जी है, वाक्य के शुरू में भी लगा सकते हैं या फिर वाक्य के लास्ट में लगा सकते हैं। स्पीकिंग करते हुए या बोलते हुए टुडे को शुरू में प्रयोग किया जाता है। टुडे, अब हम बात कर रहे हैं अपनी खुद की, तो यहाँ आएगा आए, आए के साथ क्या आता है एम, और यहाँ आएगा वेरी हैप्पी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, वह बहुत दुखी है, वह बहुत दुखी है, तो यहाँ पे आप ही भी लगा सकते हैं और सी भी। तो पहले मैं क्या लगा देता हूँ, ही के साथ क्या आता है इज, और हम बात कर रहे हैं बहुत दुखी, वेरी सैड, वेरी सैड। तुम बहुत दूर हो, तुमको क्या बोलते हैं पहले बताइए, यू के साथ क्या आता है आर, और ये हो जाएगा ब्रेव, यू आर ब्रेव, ठीक है। इसके पिछले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज 2 अक्टूबर है, तो यहां हम लगाएंगे टुडे, जी हाँ, इज 2nd अक्टूबर, 2nd अक्टूबर। चलिए, आज 10 तारीख है, सोच करिए 10 अक्टूबर की तारीख है, 10 अप्रैल की है या मार्च की है या जनवरी की है, तो फिर बना सकते हैं टुडे। आप चाहो तो यहाँ पे इट इज भी लगा सकते हैं, इट इज टुडे इज 10th अक्टूबर, इज दैट क्लियर। चलो, वे बहुत गरीब हैं, वे बहुत गरीब हैं, वे को क्या बोलते हैं, दे के साथ आर, वेरी पुअर, दे आर वेरी पुअर। मैं इस समय रास्ते में हूं तो बोल देंगे आई एम ऑन द वे, रास्ते में को बोलते हैं ऑन द वे, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। चलो, अब हम बात करेंगे खराब की। देखो, खराब अगर हमारी तबीयत होती है तो आउट ऑफ सॉर्ट लगाना है, एस ओ आर टी सॉर्ट, और अगर कोई निर्जीव वस्तु, कोई नॉन लिविंग थिंग जो है वो खराब है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो वहां पे खराब की अंग्रेजी आउट ऑफ ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे आज मेरी तबीयत खराब है, तो मैं कोई निर्जीव वस्तु भी ना हूं, तो मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, तो हम लिविंग थिंग की बात करेंगे या तबीयत की बात करेंगे, तो फिर आप वहां पे लगा देंगे आई एम आउट ऑफ सॉर्ट टुडे, आउट ऑफ सॉर्ट टुडे, चलेगा। आगे चलिए, आज उसकी तबीयत खराब है, आज उसकी तबीयत खराब है, तो इस बार मैं अपनी खुद की बात नहीं कर रहा, उसकी, उसकी मतलब कोई लड़का या लड़की की तबीयत खराब है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आएगा ही इज, फिर आप सेम लगा दीजिएगा आउट ऑफ सॉर्ट टुडे। यह पंखा खराब है, अब पंखा अगर खराब होता है तो मुझे आप ये बता दीजिए कि पंखा आपका तबीयत में आ जाएगा या फिर निर्जीव वस्तु में आ जाएगा, किस माना चाहिए, निर्जीव वस्तु में आना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग में आना चाहिए, तो बोल देंगे दिस फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर। यह घड़ी खराब है, तो दिस वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। सुना आप लोगों को, आप यहां पे इसको बदल दीजिएगा, पेन लगा दो यहां पे, दिस पेन इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो मतलब यह पेन खराब है, ठीक है। दिस बाइसिकल इज आउट ऑफ ऑर्डर, यह बाइसिकल खराब है। आपका मोबाइल खराब है तो आप यूज करेंगे माई मोबाइल या दिस मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर, चलेगा। मेरी बाइक खराब है तो यहां पर आएगा माई बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, इनका अपनी अच्छी कमांड करते रहिए, ये आपको हेल्प करेंगे ईमेल लिखने में, राइटिंग करने में, एसे लिखने में, एप्लीकेशन, नोटिस, जो भी है, सब चीजों में आपको रियली हेल्प करेंगे। चलिए, नोट करिए इसको।